आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देश को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं, जहां एम्स ऋषिकेश से पीएम मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि 20 साल की यह अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी धरती पर आना, जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह अपनत्व दिया, वहां आना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। आगे क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी सुनिए। यह देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी।
20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायु सेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया, पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड बीजेपी में कई चेहरों को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्य समिति, विशेष आमंत्रित और कई स्थायी आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। बता दें कि राष्ट्रीय कार्य समिति में 80 सदस्य, 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 189 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। इसमें अजय भट्ट, सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि अजय टमटा को विदेश आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही अनिल बलूनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अस्थायी
आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सीएम धामी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यम गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को भी स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर जवाब दें। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना पर भी महिला कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को घेर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री देवभूमि में है, लेकिन लखीमपुर में इतना बड़ा जघन्य अपराध किसानों के साथ किया गया उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। यही वजह है कि आज कांग्रेस इस बात को प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि लखीमपुर खीरी की घटना पर आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे। देवभूमि की जनता से जो वादे किए थे आज उसमें से एक भी वादा धरातल पे सत्य होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास की बहार आएगी, पर विकास की प्रदेश में क्या स्थिति है ये धरातल पर सबके सामने स्पष्ट दिखता है। आज देखिए 4.5 सालों में प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ त्रस्त है, कष्ट झेलने का काम कर रही है, लेकिन सरकार में बैठे लोग एकदम खामोश हैं। जिस तरीके से 9 महीने से हमारा किसान संघर्षरत था और जब आप उसे धन और बल से उठा नहीं पाए तो अब आपने उसे कुचलने का और रौंदने का काम शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में हुई निर्मम हत्या जिसमें हमारे 6 किसान मारे गए हैं, उसका आरोपी, मुख्य आरोपी जो मंत्री जी का बेटा है, वो अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। और जो पीड़ितों के परिवार से मिलने जा रही थी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, उनको 40 घंटों से भी ज़्यादा आपने डिटेन करके रखा है। ये संविधान की अवहेलना है और लॉ की अवहेलना है। बस इसी मुद्दों पर हम मोदी जी से जवाब मांग रहे थे कि मोदी जी आपको जवाब देना होगा और हिसाब देना होगा कि देवभूमि की जनता के साथ आपने 4.5 सालों में क्या दिया है। चमोली में गोपेश्वर के पास इन दोनों वन विभाग रेंज में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं के बीच पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को लेकर गोष्ठी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पढ़ाई की सामग्री भी वितरित की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन क्षेत्राधिकारी आरती मेठानी ने बताया है कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के तहत जगह जगह वन्य जीव संरक्षण को लेकर गोष्ठी की जा रही है और वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पर्यावरण और प्रकृति के बीच लोगों को सुनहरा वातावरण मिल सके। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस दौरान हम लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसे इस बार हमने शून मठ झड़ेता और बण द्वारा गाँव में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को वन्य जीवों का संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया और उनकी वजह से, अगर वन्य जीवों की वजह से लोगों को जो कुछ परेशानी भी हो रही है तो उसको किस तरह से उसका समाधान किया जाए, इस दिशा में हमने विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा छात्र जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके मध्य वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए और उनके मध्य उनको एक संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए हम लोगों ने विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मासों में हमने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लखीमपुर जा रहे थे। इसी दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें यूपी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बता दें कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल भी मौजूद थे। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर पूर्व सीएम को यूपी में प्रवेश करने से रोका तो वो धरने पर ही वहीं बैठ गए। हमारा संघर्ष, हमारा ये मार्च उन शहीद किसानों को समर्पित है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर में सत्ता के अहंकार के रूपी गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं, जिनको मार डाला गया है और मारने वाले अभी भी खुले घूम रहे हैं और मारने के पीछे जो उकसाने वाले हैं वो अब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विराजमान हैं।
तो हमारा संघर्ष सीधे सीधे इस तामसी प्रवृत्ति के खिलाफ है। हमारा संघर्ष किसानों के लिए है, हमारा संघर्ष लोकतंत्र बचाने के लिए है, हमारा संघर्ष उन जनवादी ताकतों के लिए है जो ताकतें स्थान स्थान पर अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा उनके साथ रही है, ऐसी ताकतों के साथ रही है। प्रियंका जी ने दूसरे दिन ही तड़के पहुंच करके 12 घंटे के अंदर लखीमपुर खीरी पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने की कोशिश की। अलोकतांत्रिक सरकार के ऐसे ही कृत्य हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके बड़े नेताओं के संरक्षक, इनके बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने हमारे गरीब जनता को, यहाँ के किसानों को, इस भारत के अन्नदाता को जिस प्रकार से अपनी महंगी गाड़ियों के टायरों से रौंदा है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उन किसान भाइयों के, उन प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की सह पर ये जो कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये किसानों की लड़ाई को बुलंद रखेगी और हम अंतिम समय तक, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, जब तक कि इन हमारे जो प्रभावित हमारे भाई हैं जिनके परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से रौंदा गया, जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, उनके हत्यारों को जब तक कानून के तहत कठोर से कठोर दंड नहीं मिल जाता, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चमोली में पिछले 6 सालों से पिंडर घाटी में देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान पौराणिक महामृत्युंजय महादेव मंदिर का नव निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका आज पहला चरण पूरा हो गया। बता दें कि 33 गांवों के ग्राम कमेटियां इस मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी संभालती हैं। इस मंदिर को 9वीं सदी में कन्नौज के राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, जो 16वीं-17वीं सदी में गोरखाओं के आक्रमण से ध्वस्त हो गया था, जिसे पुनः यहाँ के लोगों ने निर्मित किया। बता दें कि इस मंदिर का उल्लेख हिमालयन गजेटियर में भी शामिल है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण साल 2015 से किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान से ललितपुर ग्रे नाम के पत्थर भी मंगवाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के नामचीन कारीगरों के द्वारा इसे केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया जा रहा है। वहीं आज शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिर के गुंबद का प्रथम चरण पूरा होने पर मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चारण हवन के साथ 45 फीट ऊंचे गुंबद को बंद कर दिया गया। बताते चलें कि मंदिर के गुंबद को अभी और 6 फीट ऊंचा बनाना है, जिसके बाद गुंबद पर कलश स्थापित किया जाएगा। यह मंदिर पिंडर घाटी का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान मृत्युंजय का मंदिर है, ये देवधुरा में है, नारायणगढ़ विकासखंड के देवधुरा पर्वत पर है और यहाँ पर एक परंपरागत मंदिर था बहुत छोटा, जिसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि ये गोरखाली के टाइम पे इस मंदिर को भग्न कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने उस मंदिर को एक छोटा सा रूप दिया था। इस मंदिर के जो भव्यता के भग्न पत्थर हैं वो यहाँ नीचे मिलते हैं, तो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का ये मंदिर है। 2013 में आपदा के आने के बाद जब पूरे क्षेत्र में जनहानि से बचे तो अपने इष्ट देव की ओर हम सब सारे लोग इकट्ठे हुए और 2015 से हमारा अभियान चल रहा है कि भगवान मृत्युंजय का एक भव्य मंदिर बने यहाँ और इस भव्य मंदिर में देश विदेश से लोग आएँ, पर्यटन को बढ़ावा मिले। आज 2015 के बाद मंदिर का सभा मंडप तैयार है और मंदिर का जो गुंबद है वो आज बंद कर दिया गया है, उसके 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, तीसरा स्टेप अभी और बड़ा होना है, उसमें ऊपर कलश स्थापित होना है। इसके बाद इसमें राजस्थान से आए हुए ये ललितपुर ग्रे नाम के जो पत्थर हैं ये जड़े जाएंगे। आज यहाँ पर मृत्युंजय महादेव का गुम्बद का काम पूरे हो रहा है, इसमें सभी लोगों को हमने बुलाया है, 33 गाँव का, सभी लोगों की बड़ी भागीदारी है, सभी लोग दानदाताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं और सभी लोगों का, विशेषकर मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता जो कि दिन रात करके यहाँ पे लगे हैं और ये गुम्बद का काम पूरा हो रहा है आज। इसके आगे भी हमारा कार्यक्रम है कि माह के महीने हम यहाँ पे कलश चढ़ाएंगे, कलश के लिए हमारे दानदाती पहुँच गया है, कलश चढ़ाएगा यहाँ पर चांदी का, हमारे बुटला जी प्रीतम भाई द्वारा यहाँ पर कलश चढ़ाया जाएगा और बाकी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है देख रहे हैं आप सारा, लगभग सभी लोग नहीं तन मन धन सभी लोगों का एक बड़ा योगदान है, पूरे क्षेत्र का व्यक्तिगत किसी का, सभी लोग लगे अपने रूप में, जिसको जिस रूप में।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश से नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे चिकित्सालय में स्थापित 500 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक संजीव आर्य और जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल और सीएमओ भागीरथी जोशी द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव आर्य ने कहा कि यहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होने से मरीजों को और अधिक बेहतर इलाज मिल सकेगा। अब ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे जनता को आसानी से समय से इलाज मिल सकेगा। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट के द्वारा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज सुबह से ही धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिल रही हैं। इन कतारों में श्रद्धालु हरि नाम का जाप करते हुए नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे तक 300 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके थे और अब तक ये आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि 1 गुफा का सौंदर्यकरण किया गया है। 4 गुफाओं के तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर योग और साधना कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अक्टूबर महीने में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। ये गुफाएं पौराणिक कला में तैयार की गई हैं। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक भी बनाया गया। ये सभी गुफाएं 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लगभग 18 घंटे तक साधना भी की थी। कि वो गुफा का है तो उन्होंने बोला यही है, तो अभी दोनों गुफाओं पे जाके आया। मोदी जी तो 2019 में आए थे शायद गुफा में, तो बहुत ही अच्छी जगह है। केदारनाथ जी का सामने दर्शन है, सब सुमेरु पर्वत सामने है, और ऐसे वातावरण में अगर मेडिटेशन करना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं। बहुत ही अच्छी पहल की है मोदी जी ने कि गुफाओं में अगर आपको ये करना है तो रहने का भी प्रबंध है, और अभी तो कोविड की वजह से ज़्यादा ये नहीं रहेगा, बुकिंग के हिसाब से आते होंगे। फिर भी अभी 7 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाऊँ। और इधर का अनुभव बड़ा ही अच्छा है, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, और हमारे महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब लगभग 50% जो लोग हैं यहाँ वो महाराष्ट्र से, ये मुझे आते आते मिले, बहुत सारे लोग मिले हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ केदारनाथ जी का, और सुबह सुबह इधर आके अभी मैं वापस निकल रहा हूँ। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो है कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के जीएमएम को हस्तगत कर दी गई है। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह है वो सब जीएमएम के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। क्योंकि यात्रा अभी चालू ही हुई है तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी, कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान मनन चिंतन के लिए जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग के ग्राम पंचायत मरोड़ा में मकानों और आंगन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिससे यहां के ग्रामीणों में भविष्य में खतरा होने का डर बना हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे बोर्ड से क्षेत्र का मौका मुआयना करने की मांग की। बता दें कि जिले में पिछले लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके तहत अधिकांश स्थानों पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। वही इन दिनों सुमेर से गोचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके चलते गांवों के नीचे से सुरंगें बनाई जा रही हैं। वहीं मरोड़ा गांव में सुरंग निर्माण होने से आवासीय भवनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों में खासा रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दरारें आने से भविष्य में कोई भी दुर्घटना घट सकती है और उन्हें जाल मान का नुकसान भी हो सकता है। मामले में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी को टीम के साथ जाँच करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और रिपोर्ट आ जाने के बाद इसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। ये
रेलवे का काम चल रहा है इसलिए हम बहुत परेशान हैं, मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। हम चाहते हैं हमें मतलब कहीं विस्थापित किया जाए, हमारे घर का मतलब पूरा मिलना चाहिए हमें, जितना भी हमारी ज़मीन का अलग मिलना चाहिए, हमें घर का अलग मिलना चाहिए, हमारे रोज़गार का मिलना चाहिए और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। गांव में जो दरारें पड़ रही हैं ये तो जो रेलवे का निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है इसी के कारण पड़ रही हैं। अगर दूसरा कोई कारण होता तो इससे पहले मकान टूट गिर जाती नीचे, इसलिए हमारा मानना है कि जो रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।